जय हिंद, नमस्कार, स्वागत पुनः एक और वीडियो में। कल एक वीडियो बनाया था 2 से 3 मिनट का, आपने देखा, 100 से अधिक लोगों ने अच्छा लगा देखकर। 2.5 मिनट के छोटे से वीडियो को और स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो को आपने देखा। मैंने वीडियो बनाया था एमपी मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के संबंध में, जहाँ आए थे यूजी पीजी पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म। छोटा सा वीडियो था, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, कल आ गई पूरी इन्फॉर्मेशन, अब उसका डिटेल में वीडियो आपके समक्ष। यदि आप भी इस यूनिवर्सिटी में यूजी में पीजी में पीएचडी में डिप्लोमा में और बीएड एमएड बीए एलएलबी एलएलएम में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो वीडियो को देख लीजिएगा किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें आई हैं, ये सारी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। क्योंकि इसके साथ साथ कुछ कोर्स में एडमिशन लेने की एज को भी फिक्स कर दिया गया है इस साल से इस विश्वविद्यालय में, उसकी भी बात करेंगे और किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं उसकी भी बात करेंगे। एडमिशन का प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म, वो अपने आप भर लीजिएगा, इतना मैं जानता हूँ, आप समझदार हैं, फॉर्म को भर लेंगे। बस हाँ, फॉर्म को कैफे से मत भरिएगा जाके, कैफे से भरेंगे नुकसान आपका होगा, कैफे वाले का और विश्वविद्यालय का नहीं होगा। क्यों मैंने कहा है कैफे से ना भरिए, लास्ट के 3-4 वीडियो देख लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। हम सीट की बात कर लेते सबसे पहले, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, कोई न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, जो सूचना आई है उसको दे रहा हूँ। आप कहेंगे सूचना इन्फॉर्मेशन देखो, तो जी नहीं, फ़र्क होता है। क्योंकि जब तक हम अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे सूचना इन्फॉर्मेशन के फ़र्क को, तब तक हमें सही चीज़ें पता नहीं लग पाएगी सही समय पर। एंशंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कोलॉजी से यदि आप करना चाहते हैं बीए, तो इसमें आई हैं 75 सीटें। एंथ्रोपोलॉजी में आई हैं 50 सीटें, इकोनॉमिक्स में 140, एजुकेशन में 100 सीटें हैं, हिंदी लिटरेचर में 125। ये मैं आपको सब बता रहा हूँ बीए के पाठ्यक्रम की सीटें, याद रखिएगा। उसके बाद है लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा विज्ञान, इसमें लिंग्विस्टिक इसमें है 75 सीटें, मैथमेटिक्स में 20 सीटें हैं, ये सीटें चेंजेबल हैं, याद रखिएगा 20 सीटें मैथमेटिक्स की। उसके बाद है म्यूजिक में 40, फिलोसफी में 70 और साइकोलॉजी में 61, थिएटर में 30, उर्दू में 20 सीटें हैं, टोटल 806 सीटें हैं, सीटें अभी और भी हैं। एक क्रिमिनोलॉजी में 100 सीटें हैं, इंग्लिश लिटरेचर 60 हैं, ज्योग्राफी में 105, हिस्ट्री में 130, पॉलिटिकल साइंस में 120, संस्कृत में 75, सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र में 150, स्टैटिक्स में 16 और योगिस्टिक साइंस में 50। और हाँ, स्टैटिक्स में जो सीटें हैं 16 वे चेंजेबल हैं, परिवर्तित हो सकती है, टोटल ये सीटें हैं। बीए बीएड पाठ्यक्रम की सीटें भी सुन लीजिए। बीए बीएड में जो हिंदी लिटरेचर की 28 सीटें हैं, इंग्लिश लिटरेचर की 25 हैं, संस्कृत में 10 हैं, ज्योग्राफी की 32 हैं, हिस्ट्री की 31 हैं, पॉलिटिकल साइंस 31, इकोनॉमिक्स में 32 सीटें हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अगला सब्जेक्ट है आपके, ये यूजी के हैं, खासकर साइंस के हैं, बीएससी के हैं, ये है जूलॉजी। जूलॉजी में है आपकी, सॉरी गलती हो गई, ग्रुप है इसमें, कई ग्रुप बांट रखे, ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, फॉरेंसिक साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, फॉरेंसिक साइंस है और एंथ्रोपोलॉजी, टोटल मिला के 281 सीटें हैं। आप इसमें ए बी सी डी ई एफ जी 7 ग्रुप बांटे गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। बीएससी मैथ्स, इसके अंदर भी लगभग जो सीटों की संख्या है 288 दी गई है, अलग अलग अनुसार है, ठीक है। केमिस्ट्री है, स्टैटिक्स है इसमें, क्योंकि मैथमेटिक्स बीएससी के कई पार्ट्स में अप्लाई होता है, ये सभी आप जानते हैं, ठीक है। एज के बारे में जो आपको बता रहा, देखिए, यदि आप एमए एमएससी एमकॉम एमबीए, यदि आप एमए एमएससी एमकॉम एमबीए एमफार्मेसी एमटेक और एमटेक में अप्लाइड जूलॉजी एमसीए एमपीए परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे विषय में अप्लाई करना चाहते हैं, फिर से सुन लीजिए कोर्स, यदि आप एमए एमएससी एमकॉम एमबीए एमए फार्मेसी एमटेक में एमटेक प्लस अप्लाइड जूलॉजी और एमसीए एमपीए मास्टर परफॉर्मिंग आर्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपकी एज होनी चाहिए 27 साल। आपकी होनी चाहिए 27 साल। यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं और आपकी एज यदि 27 साल से ज़्यादा है तो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप एससी एसटी कैटेगरी में हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं, तो आपकी एज यदि 32 साल है तो आप इन कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं जो मैंने आपको नाम बताया, एमएससी एमएससी, लेकिन यूजी वाले कोर्सेज में कोई एज लिमिट नहीं रखी गई, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो एज का लेवल मापा जाएगा, ये नापा जाएगा 31 जुलाई 2021 तक, यानी कि 31 जुलाई 2021 को यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी एज 27 साल से एक दिन भी ज़्यादा है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, और बाकियों के लिए 32 साल, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, यदि उनका पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट 40% से कम के एरिया में आता है, तब आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं पीजी, पीजी के किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं उसको भी सुन लीजिए, उसके बाद बात करेंगे पीएचडी की, ठीक है। पीजी, बाप रे बाप, 38 सब्जेक्ट, इतनी भयंकर सीटें, 1000 से ऊपर सीटें हैं,
सुन लीजिएगा, 5 मिनट लगेगा इसके ऊपर भी। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कोलॉजी एक ही सब्जेक्ट है, इसमें आई है 25 सीटें। एंथ्रोपोलॉजी में 25 सीटें हैं, अप्लाइड जियोलॉजी में 37 सीटें हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 19 सीटें हैं, बायोटेक्नोलॉजी 37, बॉटनी 37, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 60 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 62 है, कॉमर्स यानी कि एम कॉम में इसमें 75 सीट्स हैं, और कंप्यूटर एप्लीकेशन एम सी ए में 50 सीटें हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, और सीटें भी हैं। और हाँ, प्रोस्पेक्टर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि किस सब्जेक्ट में एडमिशन एंट्रेंस पे होगा, किस में एडमिशन मेरिट पे होगा उसको, इसलिए प्रोस्पेक्टर को ध्यान से देख लीजिएगा। पेज नंबर 12 से 36 के बीच में क्रिमिनोलॉजी 25, इकोनॉमिक्स 37, एजुकेशन 62, इंग्लिश एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस में 37 सीटें हैं। उसके बाद है फॉरेंसिक साइंस 25, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, और हाँ जी ज्योग्राफी वाला सब्जेक्ट है, एमए और एमएससी दोनों में चलता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसमें 50 सीटें हैं, एमए हिंदी में 50 सीटें हैं, हिस्ट्री में 37, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जिसे जेएमसी बोलते हैं 25 सीटें हैं, एलएलएम लॉ का है एलएलएम, ठीक है 37 सीटें हैं, लाइब्रेरी साइंस एमएससी का है जिसे बोलते हैं ना एमलिप मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसके अंदर 19 सीटें हैं, लिंग्विस्टिक में 12 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 44, हिंदुस्तानी म्यूजिक इसमें 19 सीटें हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक में 2 पार्ट हैं, वोकल और तबला, अगर मैं सही हूँ वोकल और तबला, इसको प्रोस्पेक्टस में देख लीजिएगा, पेज नंबर 13 पे है, 19 सीटें हैं। इसके बाद है आपका एम फार्मेसी 56 सीटें हैं, ये 56 सीटें चेंजेबल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिलोसफी में 25 सीटें हैं, फिजिक्स में 37, पॉलिटिकल साइंस 25, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 12 सीटें हैं। क्या करें, प्रशासन शासन को चलाने के लिए लोगों को समझ होनी चाहिए, एडमिन को समझने की, लिखने पढ़ने की, और उसमें इतनी कम सीटें, 12 सीटें, क्योंकि एजुकेशन शासन को नहीं चलाना चाहती है और शासन एजुकेशन को नहीं चलाना चाहता है, दोनों ही अपने अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 12 सीटें हैं, फिर साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या बोलते हैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में 31 सीटें हैं, रूरल डेवलपमेंट में 25 सीटें हैं, संस्कृत में 25, सोशियोलॉजी में 25, उर्दू में 12 सीटें हैं, योगा साइंस एम एम एस सी दोनों में चलता है 31 सीटें हैं, जूलॉजी में है 37, परफॉर्मिंग आर्ट्स में 25, सोशल वर्क में 25, मास्टर ऑफ एजुकेशन जिसे एम ए बोलते हैं इसमें 20 सीटें आई हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिग डेटा एनालिसिस जिसे डी बी डी ए बोलते हैं इसमें 20 सीटें हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, अप्लाई करना चाहते हो तो कर दीजिएगा। ये सब सीटें मैंने आपको बता दी, यूजी की भी और पीजी की भी। आपके मन में सवाल होगा पीएचडी की सीटें कहाँ गई, बताते हैं भैया, पीएचडी है, कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है, इतना लंबा चौड़ा प्रोस्पेक्टर है, इतनी सारी सीटें हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, यदि आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, यदि आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास कोई स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, नेशनल इंटरनेशनल कोई सर्टिफिकेट है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या अगर फॉर्म अप्लाई करते वक्त में हो सकता है आपसे स्कैन करके मांगा जाता है, तो उसको जरूर लगाइएगा, उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दिया जाएगा। और एक चीज़, हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपको यूजी के, पीजी के, पीएचडी के पुराने क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, थोड़ा सर्च करेंगे वेबसाइट पर, आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी, पेपर किस मीडियम में पूछा जाता है आपको जानकारी मिल जाएगी, पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं इसकी जानकारी मिल जाएगी आपको, और क्वेश्चन की भाषा क्या होती है, हिंदी या अंग्रेजी, उसकी भी जानकारी पूर्व के प्रश्नों से मिल जाएगी, और क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, डिस्क्रिप्टिव आएंगे, पैराग्राफ के आधार पर आएंगे, उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। और रिजर्वेशन का जो नियम एंड पॉलिसी है वो आपको जो भारत सरकार का है जीओआई उसके अनुसार इस विश्वविद्यालय में भी लागू होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, पीएचडी की बात करते हैं, पीएचडी होती है 2 टाइप्स की इस विश्वविद्यालय में, पीएचडी 2 प्रकार की होती है, पहले बात करेंगे दूसरे प्रकार की पीएचडी की, और दूसरे प्रकार की पीएचडी की 3 विशेष कंडीशन है, और उस पीएचडी का नाम है पार्ट टाइम पीएचडी। एक होती है फुल टाइम पीएचडी 5 से 6 साल की, लेकिन ये है पार्ट टाइम पीएचडी, क्योंकि फुल टाइम पीएचडी की भी 3 कंडीशन है, पार्ट टाइम पीएचडी की भी 3 कंडीशन है। पहले हम बात करेंगे पार्ट टाइम पीएचडी की, पार्ट टाइम पीएचडी को कौन अप्लाई कर सकता है, क्या टाइम पीरियड है, इसकी सभी बात करेंगे। देखिए, यदि आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी जॉब में हैं, यदि आप लड़के हैं या लड़की हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर, यदि आप किसी भी प्राइवेट, सरकारी या विदेशी मुल्क में कोई काम करते हैं, यानी कि जॉब में हैं आप, और यदि आप कम से कम 3 वर्ष तक उसमें जॉब में हैं, यदि आप कम से कम 3 वर्ष तक उस जॉब में हैं, तभी आप इस पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है, काम करते हैं या करती हैं, लेकिन यदि आपके पास अप्लाई करते वक्त नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं यार, एनओसी बोलते हैं ना उसको, गैर आपत्तिजनक, अनापत्तिजनक प्रमाण पत्र, वो होना जरूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, आपको समय मिलेगा 7 साल का,
जो बच्चे लड़के लड़कियां पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे उनको 7 वर्षों का समय मिलेगा पीडब्ल्यूडी और वुमेन को छोड़कर, उनको एक्स्ट्रा और 2 साल दिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फुल टाइम पीएचडी की, ठीक है। और हाँ, जो सीटें हैं ना, जो सीटें आई हैं वह पीएचडी के लिए आई हैं, उसके अंदर ये मेंशन नहीं है कि ये सीटें पार्ट टाइम के लिए हैं या पीएचडी या फुल टाइम को। हाँ, मेरे को आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और जो क्वेश्चन है ना इसमें 1 नंबर का नहीं है, हंसी आएगी आपको कि सही जवाब होने पर कितने नंबर मिलेंगे और टोटल पेपर कितने नंबर का है। मैंने कहा ना, कुछ नया होता है हर जगह, कुछ नया होता है, इसलिए वीडियो भी कुछ नए तरीके का बनाना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है और कोशिश करते हैं। हम कहाँ थे बता दो भैया, मैं भूल जाता हूँ, लक्कड़ इंसान। हाँ, फुल टाइम पीएचडी। देखिए, फुल टाइम पीएचडी में कोई भी अप्लाई कर सकता है। यदि आप गर्ल्स हैं और पीडब्ल्यूडी हैं, यदि आप गर्ल्स हैं और गर्ल्स में यदि आपकी शादी हो चुकी है और पीडब्ल्यूडी हैं, तो आपको पीएचडी सबमिट करने का मौका मिलेगा 7 साल के लिए। 7 साल में अपना पीएचडी आप जमा कर सकते हैं। और यदि आप उससे पहले करना चाहें तो कम से कम 3 वर्ष में भी अपना पीएचडी आप जमा कर सकते हैं। यदि आप लड़कियां हैं या नहीं हैं, पीडब्ल्यूडी हैं या नहीं हैं, तो आप यानी कि पीएचडी में एडमिशन लेने वाला कोई भी कैंडिडेट कम से कम 3 वर्ष में अपना पीएचडी सबमिट कर सकता है। यदि आपने उस दौरान अपना कोर्स वर्क भी कर लिया है और आप कोर्स वर्क में पास हो चुके हैं, तो 3 साल में अपना पीएचडी जमा कर सकते हैं। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 वर्ष का समय दिया जाएगा। लेकिन यदि आप मैरिड हैं और पीडब्ल्यूडी हैं, वुमेन हैं, तो आपको 7 वर्षों का समय दिया जाएगा। एक बात स्पेशल इसमें कही गई है, खासकर ये मैरिड वुमेन के लिए, जो भी मैरिड वुमेन है तो उनको मैटरनिटी लीव, प्रसव की जो लीव होती है, छुट्टियां होती है, वो भी दी जाएंगी आपको पीएचडी के उन 7 सालों के दौरान। टोटल 240 दिनों की, टोटल 240 दिनों की आपको मैटरनिटी लीव की सुविधा भी दी जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा सभी कैंडिडेट महिला। अब आते हैं एग्जाम के पैटर्न पर, एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर, ठीक। एग्जामिनेटेड कौन है ना वो भी बताऊंगा, आगे बताऊंगा, पहले बता देना कि लंबा वीडियो होगा, न्यूज़ सुनने मत आइएगा। एग्जाम का पैटर्न ए और बी, दो पार्ट में आपका पेपर होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू पहले क्वेश्चन पेपर में, और 50 क्वेश्चन आएंगे दूसरे पेपर में एमसीक्यू, क्वेश्चन हो गए 100। ये तो नॉर्मल बात है। अब स्पेशल क्या है उसको समझ लीजिए। पेपर होगा 70 नंबर का आपका, क्वेश्चन 100 नंबर 70। आप कहेंगे 30 नंबर कहाँ चले गए, या 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है या 30 नंबर कम है, ऐसा कुछ नहीं है। एक नया गुगली फेंक दिया हरीश सिंह गौड़ विश्वविद्यालय ने। सही क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे आपको 0.70, यानी कि सही सवाल का जवाब आपको एक नहीं मिलेगा, उसका सही जवाब का आंसर के नंबर मिलेंगे 0.70। ये इसका क्राइटेरिया है, ठीक, पहली चीज। और जो दूसरा पेपर होगा और पहला पेपर होगा, दोनों में क्वालिफाई करने के लिए 50 नंबर, 50% नंबर लाना जरूरी, यानी कि 100 क्वेश्चन में से यदि आपके 50 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे, तभी आप मेरिट की कैटेगरी में आ पाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी में, यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं, तो आपको 50 नहीं बल्कि 45% नंबर लाने होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप सभी बच्चे। और हाँ, एग्जामिनेटेड सॉरी, यदि आप UGC और CSIR की तरफ से नेट या JRF क्वालिफाई हैं, तो आपको एंट्रेंस से छूट दे दी जाएगी। इसके अलावा यदि आप टीचर्स फेलो हैं, तो भी आपको एंट्रेंस से छूट दे दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आप RJNF हैं, MNF हैं, ICHR, ICPR, ICMR के रिसर्च स्कॉलर हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट नहीं दी जाएगी। अगर आपने MPhil किया है तो भी आपको छूट नहीं दी जाएगी। एक नया सवाल आया था कि सर हमारा NFSC कैटेगरी है, NFOBC कैटेगरी है, NFST कैटेगरी है, NFEWS कैटेगरी है, ऐसे बच्चों को भी एग्जाम्स में नहीं रखा गया है, उनको फेलोशिप मिलेगी लेकिन एग्जामिनेटेड नहीं है हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय में। इस बात को भी ध्यान से समझ लीजिएगा। इंटरव्यू, इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, 70 का एंट्रेंस, 30 नंबर का इंटरव्यू, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इंटरव्यू में भैया और बहनें जो भी देख रही हैं ना, विदाउट सिनॉप्सिस मत जाइएगा। आप JRF कैटेगरी में हैं, आपने एग्जामिनेटेड भी कर लिया, आप सोच रहे हैं इंटरव्यू देंगे, आपने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, आपको लग रहा है इंटरव्यू में जाएंगे, लेकिन यदि आपका सिनॉप्सिस नहीं बना है, इंटरव्यू जाने की सोचिएगा मत, इंटरव्यू जाने की मत सोचिए, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि बिना सिनॉप्सिस के इंटरव्यू होगा। माना कि आप पहली बार भर रहे हैं फॉर्म, आपको नहीं जानकारी है, नहीं बताया गया है, लेकिन मैं बता देता हूँ, बहुत से यूट्यूबर हैं लेकिन बताते तो सबको, आप सुनते नहीं हैं, सुनते हैं तो समझते नहीं हैं, और यदि समझ में नहीं आता तो आप सवाल नहीं करते हैं। काहे डरते हैं सवाल करने से, पैसा लगता है क्या सवाल करने में बाबू, पैसा नहीं लगता है ना कौनो, तो सवाल ठोक दिया कीजिए।
हम तो नहीं कहते कि साला गोली मार दो काहे को, सरकार तो गोली मार देती है सवाल पूछने पे, हम तो कहते पूछो सवाल, सवाल नहीं पूछोगे तो हम बतियाएंगे किससे, कौनों से बतियाएंगे बता रहे बाबू, तो सवाल पूछो, सवाल पूछो, अच्छा सवाल मत पूछो कि सामने वाले को कैसा लगेगा, जो चीज़ें नहीं मालूम है उसका सवाल पूछिए, जवाब लेना और जवाब देना ये आपके हाथ में है, ठीक है, इंटरव्यू आपका होगा। और हाँ मीडियम, इस विश्वविद्यालय में, सागर विश्वविद्यालय में खासकर सोशल साइंस के बच्चे खासकर ध्यान दें, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में से किसी एक का चयन कीजिएगा सिनॉप्सिस के लिए, या अपना सिनॉप्सिस पूरा हिंदी में बनाइएगा या पूरा इंग्लिश में बनाइएगा, मिक्स मत कीजिएगा, बाइलिंगुअल मत कीजिएगा सिनॉप्सिस को, प्रॉपरली इंग्लिश या प्रॉपरली हिंदी। और हिंदी वाले बच्चे जो हिंदी भाषा हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी वाले बच्चे भैया आप लोग ना क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग मत कीजिएगा, प्रयोजनमूलक हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, आम बोलचाल के हिंदी का प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो आप शब्दों का चयन इस प्रकार अपने वाक्यों में कर दें कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से आपका शैली का शैली विज्ञान ही खंडित हो जाए, भ्रमित हो जाए सामने वाले के लिए। इसीलिए आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग कीजिएगा अपने सिनॉप्सिस में भी, और सिनॉप्सिस को देते हुए अपना प्रेजेंटेशन देंगे उसके अंदर भी बिल्कुल आम भाषा का प्रयोग कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इसके अंदर इतना ही, सीट्स नहीं बताई थी मैंने आपको, सीट पे आ जाते हैं। आपने कहा होगा हमने तो वीडियो बना सोचा था कि सीट्स के बारे में होगा, मैंने तो बहुत कुछ अगड़म झगड़म बोल दिया। भैया सीट्स तो आप ना प्रोस्पेक्टर में जाके पढ़ सकते हैं वेबसाइट में, लेकिन प्रोस्पेक्टर में क्या नहीं है और यूनिवर्सिटी आपको क्या नहीं बताएगी वो बातें मैंने आपको बताई हैं। इस बात का ध्यान रखें, सीट्स पर जाते हैं, सीट्स भैया बहुत सारी हैं इसमें, सब्जेक्ट कितने हैं वो तो मैंने आपको बता दिए थे, इसमें 36 सब्जेक्ट हैं, 245 सीटें हैं, 36 सब्जेक्ट हैं, 245 सीटें हैं, 36 दूनी 72, 72 सेकंड और लूँगा आपके, वीडियो कर दूंगा समाप्त, यानी कि 1.5 से 2 मिनट और लगेंगे। सबसे पहला वही एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कोलॉजी, कोड नंबर ध्यान रखिएगा 401 है, ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का हर डेट का कोड है इसके अंदर, और कोड का ध्यान रखना, और भी आपको मुझे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का शेड्यूल भी बताना है कि किस डेट में आपका एंट्रेंस होगा उसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंशियंट इंडियन, इसको AIHC बोलते हैं इन शॉर्ट में कोर्स को, इसमें 3 सीटें हैं, एंथ्रोपोलॉजी में 7 सीटें हैं, अप्लाइड जियोलॉजी में 6 सीटें हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 3 सीटें हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 3 सीटें हैं, उसके बाद है आपका बॉटनी, बॉटनी में आपकी हैं 5 सीटें, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 8 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 17 हैं, कॉमर्स में 18 हैं, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 5 सीट है, क्रिमिनोलॉजी में 3 सीटें हैं, क्रिमिनोलॉजी में 3 सीटें हैं, उसके बाद है आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में है 6 सीटें, एजुकेशन में 12, इंग्लिश एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेज में 8 सीटें हैं, फॉरेंसिक साइंस में आपकी 7 सीटें हैं, जर्नल अप्लाइड ज्योग्राफी में, जर्नल अप्लाइड ज्योग्राफी में 11 सीटें हैं, हिंदी में 11 सीटें हैं। सुन लिया आपने, हिंदी में 11 सीटें हैं, हिस्ट्री में आपकी 6 सीटें हैं, जेएमसी नाम को दिल्ली में कॉलेज भी है, जीजन मैरिज कॉलेज लिख रही है, यहाँ जेएमसी का मतलब है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें 4 सीटें हैं, लॉ के अंदर 10 सीटें हैं, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में 7 सीटें हैं, लिंग्विस्टिक में 6 सीटें हैं, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में 15 सीटें हैं, म्यूजिक में 4 सीटें हैं। म्यूजिक वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा विभाग से अप्लाई करने से पहले कि म्यूजिक किस कैटेगरी का है, वोकल है, इंस्ट्रूमेंटल है, सिंगिंग का है, डांसिंग का, एक्टिंग का, क्योंकि म्यूजिक के बहुत फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। यहाँ म्यूजिक में टोटल 4 सीटें हैं, फॉर्मेटिकल साइंस, फॉर्मेटिकल साइंस कोड नंबर 425, 8 सीटें हैं, इसको थोड़ा ध्यान से दीजिए, सीटें चेंजेबल हैं, 8 भी हो सकती हैं, 18 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, सीटों में ऊपर नीचे हो सकता है इस वाले कोर्स में जिसका नाम है फॉर्मेटिकल साइंस। फिलोसफी दर्शन शास्त्र में 4 सीटें हैं, फिजिक्स में 10 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें 6 सीटें हैं। भैया कैमरे पर नहीं देख रहे हैं, आवाज़ तो आ रही है ना कैमरे के माध्यम से, ठीक है। फिर साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में 3 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 6 सीटें हैं, एडल्ट एजुकेशन 3 सीटें हैं, संस्कृत में 8, सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क में 8, उर्दू में 2, योगा साइंस में 2, जियोलॉजी में 6, और जियोलॉजी में भैया आपकी कितना है भैया ये, हाँ जूलॉजी में 6 और फाइन, और ये जूलॉजी के बाद अच्छा गलत लिख दिया है इसमें, जूलॉजी में 6 है, फाइन आर्ट में 2 है, जूलॉजी में 6, फाइन आर्ट में 2, योगा साइंस में 2 सीटें, ये टोटल सीटें हैं आपकी। कोई सब्जेक्ट में सीटें ऊपर नीचे हो गई भैया पूछ लीजिएगा, ठीक है, मुलक्कड़ में भूल जाते हैं। फीस है इसकी भैया 800 रुपये, रजिस्ट्रेशन फीस है 800 रुपये यूजी और पीजी के बच्चों के लिए, यूजी और पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस है 800 रुपये, और जो बच्चे एससी एसटी कैटेगरी में हैं उनके लिए 400 रुपये फीस है यूजी और पीजी का। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर है, यूजी पीजी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी 800 रुपये फीस है, ठीक। और जितने भी पीएच बच्चे हैं, पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं,
आप किसी भी कोर्स में अप्लाई करिए, कोई फीस नहीं लगेगी। पीएचडी में, यूजी में, पीजी डिप्लोमा में आपके लिए कोई फीस नहीं है। जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, ये मत सोचिएगा भैया जनरल लोग कि इनको छूट क्यों है। भैया आप लोग लाइब्रेरी में किताब पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं, ट्रैवलिंग कर लेते हैं, फंडिंग मिल जाती है, हैंडीकैप बच्चे कैसे करेंगे? कभी सोचा है आपने कैसे पढ़ते हैं वो लोग? कभी सोचा है कोई ऑडियो बुक कहाँ से लाते हैं? कभी सोचा है ब्रेल बुकें कहाँ से लाते हैं? कभी सोचा है एग्ज़ाम के दिन में राइटर की व्यवस्था कैसे करते हैं, किताब की रिकॉर्डिंग कैसे करवाते हैं? हमने कभी हेल्प की? तो यदि उनको यहाँ थोड़ी सी सुविधाएँ मिलती हैं, आपको तकलीफ होती है पेट में, काहे तकलीफ होता है बाबू, काहे तकलीफ ना हो, को तकलीफ ना। पीएचडी के बच्चों की रजिस्ट्रेशन फीस है 400 रुपये की। पीएचडी के बच्चों की रजिस्ट्रेशन फीस है 400 रुपये की। यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ओबीसी में नॉन क्रीम लेयर आते हैं, तो आपको देने होंगे 400 रुपये। और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी में, तो आपको देने होंगे 200 रुपये। यदि आप पीएच कैटेगरी में, तो आपको देने होंगे कोई पैसा नहीं। पीएचडी के बच्चे इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो थी इसकी फीस वगैरह। मैं देखो भैया ये ना पेज नंबर 24, ये थोड़ा उल्टा पुल्टा है फीस की व्यवस्था। कहीं 800 लिखी है, कहीं 1000 लिखी है, कहीं 500 लिखी है, कहीं 250 लिखी है। भैया आप देख लीजिएगा किस कोर्स की कितनी फीस है। मैंने जो बताया वो एक एक स्लाइड था, तीन अलग अलग स्लाइड दी हैं, कौन सा सही है मुझे भी नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा। कुछ ये छूट गई तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भूल भाल जाता हूँ चीज़ों को। एंट्रेंस की डेट तो नहीं दी है इसमें, लेकिन 5 दिनों तक एंट्रेंस चलेंगे, 5 डेज तक। और एक दिन में होंगी 2-2 शिफ्ट, 9 बजे से 11 बजे तक पहली शिफ्ट, और दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे की दूसरी शिफ्ट होगी। और पहली शिफ्ट में किस सब्जेक्ट का पेपर होगा, दूसरी शिफ्ट में किस पेपर का पेपर होगा, उसका बकायदा कोड दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। पेज नंबर 28 के बारे में डिटेल में दिया गया है, ठीक है। यदि आप अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर देते हैं 9 सितंबर तक, 9 सितंबर लास्ट डेट है, याद रखिएगा। आप अपने फॉर्म में गलती से कोई गलती कर देते हैं, कोई भूल हो जाती है, कोई छूट जाते हैं, तो अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आप 15, 16, 17 सितंबर के बीच में। इस बात का ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था कमेंट करके बताइएगा, भाषा के संदर्भ में और हिंदी भाषा के संदर्भ में। 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था कमेंट करके बताइएगा, उसका संबंध इस वीडियो से नहीं है, ऐसे सवाल पूछ लिया। लेकिन 15, 16, 17 सितंबर 2021 को अपने फॉर्म में आप करेक्शन एडिट कर सकते हैं, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। आप सभी विद्यार्थी हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय में अप्लाई कीजिए, यूजी पीजी डिप्लोमा बीएड एमएड, एमएड नहीं आया, एलएलबी आया है, और पीएचडी के लिए 9 सितंबर से पहले। यही की सूचना डिटेल में आपको बता दिया, फिर भी बहुत सी जानकारियाँ छूट गई होंगी। हॉस्टल मिलता है कि नहीं, फेलोशिप मिलती है कि नहीं, यूनिवर्सिटी कैसी है कि नहीं, फैकल्टी कैसी है, वहाँ का माहौल कैसा है, कौन कौन सी सुविधाएं हैं, ये बेवकूफ़ वाले सवाल मत कीजिएगा मुझसे, क्योंकि इनकी जानकारी वेबसाइट पर होगी तो होगी, मालूम नहीं, प्रोस्पेक्टर में नहीं दी है। और जो जानकारी प्रोस्पेक्टर में नहीं है उसके लिए मैं बात नहीं कर सकता, इसलिए जो जानकारी आपको दी है उसका सवाल करिएगा, जवाब मिल जाएगा। मैं पहले बताया था ना आपको कि सवाल भैया पूछिए, सवाल पूछना भी कला है, और आप तो कलाकार हैं, और इस देश में इस समय तो नाटक ही हो रहा है। जब देश में भी नाटक हो रहा है तो आप सवाल रूपी कला से क्यों महरूम है? करिए सवाल, ठोक के सवाल कीजिए। जय हिंद।